नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं बल वीर्यवर्धक महुआ के लाजवाब फायदे। दोस्तों, महुआ का सामान्य परिचय इस प्रकार से है। वृक्ष बड़ा, तना मध्य, सीधा, घनी शाखाओं वाला, चिकना, वार्षिक बढ़ोतरी का आभास नहीं होता। शाखाओं का मंडप घना, छायादार, गोल, मुकुट सा बनाती है। यह मानसूनी वृक्ष दोमट मिट्टी से अच्छा बढ़ता है। पत्ते शाखिकाओं के सिरों पर गुच्छों में सामान्यतः 12.5 से 20 सेंटीमीटर लंबे दृढ़ चांस दोनों किनारों पर सकरे, नुकीले, गहरे हरे नए पत्ते, तांबई हरित, आंतरिक रचना गहरी, एक भाग चिकना, असम पक्षाकार, गंध रहित, स्वाद में हल्के कसेले होते हैं। पुष्प पात होने के बाद कूचों के अंदर फल गुच्छों में या अलग अलग लगते हैं। फल हरिताभ, अंडाकार, गुद्देदार, चमकदार, कठोर, 1.25 से 2.5 सेंटीमीटर लंबे, जून जुलाई में पकते हैं। कच्चे फल का अंत भाग सफ़ेद, फल के अंदर गुठली, गुठली का रंग ताबई, चमकदार, कठोर, कच्चे फल की सब्जी बनती है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको महुआ के कुछ औषधीय गुणों से रूबरू कराते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्रों में महुआ अनेक रोगों के सफल इलाज में कारगर है। कफ जन्य रोगों में यह बहुत उपयोगी होता है। सर्दी ठंडी, सर्दी की शिकायत में महुए के फूलों का काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करना चाहिए या फूलों को दूध में उबालकर पीना चाहिए। साथ ही फूल को जब वह फूला हुआ हो तो अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। बवासीर, बवासीर के रोगी को इसके फूलों को देसी घी में भूनकर कुछ दिनों तक खिलाना चाहिए। ये वेदना शामक होने के कारण इसकी पीड़ा को कम कर देते हैं तथा बवासीर में भी आराम पहुंचाते हैं। जुखाम, गले में खराश, महुए के ताजा या सूखे फूल, लौंग, काली मिर्च, अदरक या सौंठ, सबको एक जगह कुचल कर काढ़ा बनाएं। हल्का गर्म काढ़ा पीकर कपड़ा ओढ़कर लेट जाएं। इससे जुखाम, सर्दी में बड़ी राहत मिलती है। साथ ही सर्दी से होने वाले बुखार में भी काफ़ी आराम मिलता है अगर आप इसका सेवन करते हैं। यह ज्वर को शांत करता है। दर्द, वायु दर्द, शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो, जोड़ों का दर्द, वायु का दर्द या मांसपेशियों में दर्द तथा पसलियों में दर्द हो तो प्रभावित अंग अथवा स्थान पर महुए के तेल की मालिश कुछ दिनों तक करनी चाहिए। किसी भी तेल की मालिश करने के बाद ठंडे स्थान पर ना बैठें। वीर्यवर्धि, महुए के पुष्प तथा फल वीर्यवर्धक होते आते हैं। इसके लिए ताज़ा रसदार फूलों को सुबह सुबह खाना चाहिए। ताज़ा फूल उपलब्ध ना हो तो सूखे फलों का सेवन भी आप कर सकते हैं। मासिक गड़बड़ी, जिन माता बहनों को मासिक समय पर न आकर आगे पीछे आता हो, अधिक कष्टकारक हो या कम ज़्यादा मात्रा में आता हो तो इसके आने के एक सप्ताह पूर्व से महुए के फूलों का काढ़ा बनाकर नित्य प्रति आप सुबह और शाम पियेंगे तो काफ़ी फायदा होगा। दुग्ध वृद्धि, स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा नव प्रसूता स्त्रियों को पर्याप्त मात्रा में दूध न उतरता हो तो महुआ के ताज़ा फूलों का सेवन नियमित रूप से कराना चाहिए। ताज़ा फूल उपलब्ध न रहने पर सुखाए हुए फूल किशमिश की तरह चबाकर खाने चाहिए। पुरानी खांसी, कुकर खांसी, पुरानी खांसी के मरीजों को महुआ के फूल के 15 से 20 दाने एक गिलास दूध में उबालकर रात्रि में सोने से पूर्व सेवन करने चाहिए। फूलों के बीज से जीरे जैसे दाने को निकाल देना चाहिए। 2 सप्ताह के लगातार सेवन से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। बच्चों को सर्दी, छोटे बच्चों को सर्दी की शिकायत होती रहती है। इसमें नाक बहने लगती है तथा पसलियां भी चलने लगती है। इनके लिए आप प्रभावित स्थान या पूरे शरीर की महुए के तेल से मालिश करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। घर में महुए का तेल अवश्य रखना चाहिए। विषनाशक, सांप या विषैले कीड़े के काटने पर दंश स्थान पर महुआ के फूलों को कुचल कर बारीक पीस कर लेप बनाकर लगाना चाहिए। इससे विष प्रभाव दूर हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।